उड़ीसा एंड जमशेदपुर दोनों टीम अटैकिंग माइंडसेट से खेल रही होती है, दोनों टीम के प्लेयर्स का इंटेंसिटी हाई होता है, फिर जमशेदपुर के लिए डैनियल चीमा का गोल आता है एंड फिर उस लीड को 10वें मिनट में बोरिस सिंह डबल कर देते हैं एंड फिर 17वें मिनट में आता है उड़ीसा एफसी के लिए डिएगो मॉरिसियो का एस्टेनर। तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम हीरो आईएसएल के मैच जमशेदपुर एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, आज मैच हुआ वो, और मैं अगर मैं कहूँ तो ये मैच बहुत अच्छा था। हालांकि रेफरी के लेवल पे मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हर दूसरे मिनट में, हर तीसरे मिनट में रेफरी द्वारा गलतियाँ हो रही थी। बट फिर भी मैच बहुत अच्छा था, दोनों के प्लेयर्स का इंटेंसिटी हाई था, दोनों के प्लेयर्स अटैकिंग माइंडसेट से खेल रहे थे एंड शुरुआत में जमशेदपुर एफसी डोमिनेट कर रही थी, बट अंतिम में ओडिशा एफसी का रिटर्न होता है, वो कमबैक करते हैं एंड फिर मैच ही ले जाते हैं ओडिशा एफसी के टीम। तो स्टार्टिंग में, तो शुरुआत में ही ओडिशा एफसी की स्पेशली मिडफील्ड की बात करें तो बहुत वीक लग रहा था स्टार्टिंग में। स्पेशली ऋत्विक दास पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ओडिशा एफसी के मिडफील्ड को, और इसी वे में तीसरे मिनट में ही गोल भी आ जाता है जमशेदपुर एफसी के लिए, जब डैनियल चीमा एक अच्छा गोल लगाते हैं एंड फिर इसी लीड को 10वें ही मिनट में बोरिस सिंह डबल कर देते हैं। जब 10वें मिनट में बोरिस सिंह का गोल आता है एंड फिर उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि एकदम से जमशेदपुर एफसी ओडिशा को थ्रैश कर देगी, बट ऐसा होता नहीं है एंड 17वें मिनट में एक जबरदस्त, एक मैं कहूँ तो स्टनर आता है डिएगो मॉरिसियो का ओडिशा एफसी के लिए, जो कि आई थिंक कि वो एक ओडिशा एफसी के प्लेयर को मोटिवेट करता है एंड वहाँ से कहीं ना कहीं गेम टर्न ऑन हो जाता है। वहाँ से ओडिशा एफसी के प्लेयर ऑन हो जाते हैं, उनका मिडफील्ड ऑन हो जाता है। जो ऋत्विक दास पूरा मिडफील्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा था लेफ्ट विंग पे, पूरे ओडिशा के मिडफील्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो अब थोड़ा शांत होने लगता है। शांत होना क्या मैं कहूँ कि वहाँ ओडिशा एफसी के मिडफील्डर्स काम करने लगते हैं, वो अच्छा रन करने लगते हैं, अच्छा टैकल करने लगते हैं, इस वजह से ऋत्विक दास उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा होता है एंड उसी तरह मैच का मोमेंटम चलते रहता है एंड फिर एक गोल आता है आइजैक का, वो भी गोल बहुत ही बढ़िया था। आइजैक दोनों ही सब्स्टिट्यूट हो के आए थे, आइजैक जेरी के जगह पे आए थे, जिन्होंने दूसरा गोल लगाया 88वें मिनट में। हाँ, 87वें मिनट में गोल लगाया था उन्होंने एंड फिर वहाँ दो दो की बराबरी होती है, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। हालांकि ओडिशा एफसी बहुत टाइम से, अगर मैं कहूँ तो वो 20-25 मिनट से ही बहुत अच्छा खेल रही थी, उनका मिडफील्ड काम कर रहा था, उनका फ्रंट लाइन काम कर रहा था और कहीं ना कहीं जमशेदपुर एफसी बहुत चांसेस भी मिस कर रही थी, बहुत गलत पासेस भी मिस कर रही थी, ये भी वजह हो सकता है। बट ओडिशा एफसी बहुत अच्छा खेल रहा था उस वक्त एंड हाफ टाइम तक सही था, हाफ टाइम तक कहीं ना कहीं जमशेदपुर एफसी भी गेम में था, बट दूसरे हाफ में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल खेल खेल रहे थे वो। बट ओडिशा एफसी वो अपने पूरे फॉर्म में थे उस वक्त एंड इसी खेल को आगे कंटिन्यू करते हुए बार बार वो चांसेस बना रहे थे। स्टार्टिंग में कॉर्नर नहीं मिल रहा था ओडिशा एफसी को, बट सेकेंड हाफ में उन्हें कॉर्नर भी मिलने लगा एंड फिर इसी टर्म्स को, इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए आइजैक का गोल आता है 88वें मिनट में एंड फिर एक और स्टनर आता है, स्टनर नहीं भी कहो तो चलेगा, बट एक और गोल आता है डिएगो मॉरिसियो से, जो लीड दिलवा देती है ओडिशा एफसी को एंड ओडिशा एफसी 3-2 से लीड में चले जाता है। और ओडिशा एफसी के लीड में जाने के बाद गेम सिर्फ 3 मिनट का बचा होता है, क्योंकि गेम ऑलरेडी ओवर टाइम में चल रहा होता है जब ओडिशा एफसी लीड में आता है, जब डिएगो मॉरिसियो का सेकेंड गोल आता है। तो उसके बाद 3 मिनट में आप सोच सकते हो कि कमबैक करने का बहुत ही कम चांस होता है और वहां से जमशेदपुर एफसी कमबैक कर नहीं पाई और ओडिशा एफसी 3-2 से मैच जीत गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।